छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र में धान खरीदी समेत दर्जन भर मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। इधर सरकार ने विपक्ष के आरोपों पर मुखर जवाब देने की तैयारी कर ली है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष की विधायक दल की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। चर्चा है कि बीजेपी सत्र के पहले दिन ही धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव सदन में लाएगी। धान खरीदी में हो रही लेट लतीफी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा मच सकता है। बीजेपी का आरोप है कि खरीदी की प्रक्रिया लेट होने की वजह से किसान खुली मंडी में धान बेचने को मजबूर है। किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। कानून नाम की चीज नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जब सुरक्षित नहीं रहा, कलेक्टर का बंगला सुरक्षित नहीं रहा, रोज चोरियां हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का भाव है। इस विषय को लेकर बात होगी। दूसरे मुद्दे शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले खुद कटघरे में गिरते जा रहे हैं। एक मुद्दा उस विषय को लेकर रहेगा।